Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this chapter in another two videos. Today, we will just see the summary of this chapter. So, let's start the topic. First topic is, house ki hame kyun zarurat hai? So, house is a place where we live in. House wo jagah hai, wo place hai jahan hum rehte hain. A house protects us from heat, cold, wind, rain, stray animals and thieves. हमारा जो हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से यानी गर्मी से, कोल्ड से यानी ठंड से, विंड यानी तेज हवा से, आंधी से, रेन यानी बारिश से, स्ट्रे एनिमल्स यानी जो डॉग्स घूमते रहते हैं, काऊ बफेलो घूमते रहते हैं, है ना, एन एनिमल्स हमें प्रोटेक्ट करता है और थीव्स यानी चोरों से हमें बचाता है. इसलिए हमें घर की जरूरत होती है. घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. हमें अपने घर में कंफर्ट फील होता है यानी आराम मिलता है. हम अपने घर में आराम से रहते हैं. अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको सेफ रखने के लिए हम अपने घर में रखते हैं ना. तो घर हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है और हमारी चीज़ों को भी सेफ रखता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेज यानी हाउस कितने टाइप्स के होते हैं. हाउस टू टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. व्हाट इज कच्चा हाउस? इट इज मेड अप ऑफ मर्ड, लीव एंड स्ट्रॉ. ऐसा हाउस जो मर्ड यानी मिट्टी का यूज करके, लीव्स यानी पत्तियों का यूज करके, ब्रांचेस का यूज करके और स्ट्रॉ का यूज करके बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं. कच्चा हाउस बहुत कमजोर होते हैं यानी ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, कच्चा हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं स्टूडेंट? कच्चा हाउस हमें ज्यादातर विलेजेस में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है पक्का हाउस. व्हाट इज पक्का हाउस? इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन. ऐसा घर जिसको बनाने के लिए ब्रिक का यूज किया गया हो यानी ईंटों का यूज किया गया हो, सीमेंट का यूज किया गया हो, वुड का यूज किया गया हो और आयरन यानी लोहे का यूज किया गया हो उसे हम पक्का हाउस बोलते हैं. पक्का हाउस कच्चा हाउस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी ज्यादा मजबूत होते हैं और कई सालों तक सुरक्षित रहते हैं. ठीक है, इसलिए पक्का हाउस ही आजकल ज्यादा बनाए जाते हैं. पक्का हाउसेस हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? पक्का हाउसेस हमें टाउन्स और सिटीज में देखने को मिलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस. मतलब हमारे हाउस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है रूफ. घर की जो छत होती है उसे हम रूफ कहते हैं. बिना रूफ के कोई भी हाउस नहीं बन सकता ना. फिर नेक्स्ट है वॉल. वॉल मतलब होता है दीवार. दीवारों से मिलकर ही रूम बनता है या घर बनता है. नेक्स्ट है विंडो. हर एक घर में विंडोज भी होती हैं. फिर डोर. घर में डोर्स भी होते हैं. बालकनी, आपका जो सेकेंड या थर्ड फ्लोर होता है उसके सामने थोड़ी सी अगर स्पेस खाली हो और रेलिंग लगी हुई होती है तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बालकनी कहते हैं. फिर पोर्च. पोर्च का मतलब होता है बालकनी के नीचे का जो एरिया होता है ना उसे हम पोर्च कहते हैं. फिर नेक्स्ट है रूम्स इन अ हाउस यानी एक हाउस में कौन कौन से रूम्स होते हैं. फर्स्ट है लिविंग रूम जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं. लिविंग रूम हमारे घर का सबसे पहला रूम होता है. इस रूम में चेयर्स रखी होती हैं या सोफा रखा होता है. इस रूम में जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं उन्हें हम वेलकम करते हैं और बैठाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेडरूम. बेडरूम हमारे घर का वो रूम होता है जहाँ पर बेड होता है और हम रात में सोते हैं. ठीक है, तो सोने के लिए जिस रूम को यूज करते हैं वो क्या है? बेडरूम है. नेक्स्ट है किचन. किचन हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट रूम होता है क्योंकि जो भी खाना बनता है वो कहाँ बनता है? किचन में बनता है. तो किचन का यूज हम किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट है डाइनिंग रूम जहाँ पर एक बड़ी सी टेबल और चेयर्स रखे होते हैं और आपके घर के सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं उस रूम को हम क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी रूम. ऐसा रूम जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं या आपके घर के बड़े बैठकर कुछ काम करते हैं उसे हम स्टडी रूम कहते हैं.
ठीक है। लास्ट है हमारा बाथरूम, जिसे हम वॉशरूम भी कहते हैं। बाथरूम जहाँ पर आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं। लास्ट रूम, अवर लास्ट टॉपिक इज क्लोथ। हम सभी क्लोथ पहनते हैं ना, हमें क्लोथ की जरूरत क्यों होती है? क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। हमारे जो क्लोथ होते हैं वो हमें हीट से, यानी सूरज की रोशनी से, गर्मी से, फिर कोल्ड यानी ठंड से, रेन यानी बारिश से, डस्ट यानी धूल और मिट्टी से बचाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्लोथ पहनते हैं। क्लोथ हमें स्मार्ट और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। मतलब अगर हम साफ सुथरे और फ्रेश किए हुए कपड़े पहनते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं तो हम अच्छे लगते हैं ना। तो क्लोथ की वजह से हम स्मार्ट और अट्रैक्टिव भी लगते हैं। फिर अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। पूरा ईयर तो हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लोथ की जरूरत होती है। कौन कौन से हैं वो क्लोथ? फर्स्ट है, वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। समर सीजन में हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ बहुत हल्के होते हैं और उसमें छोटे छोटे होल होते हैं जो एयर को इन और आउट यानी आर पार जाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है और हमें गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट है, वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर। विंटर के सीजन में हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं और हमें ठंड नहीं लगती है। इसीलिए विंटर में हम वुलन क्लोथ को यूज करते हैं। फिर वी यूज रेन कोट एंड अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउट इन रेन। जब आप बारिश हो रही होती है और बाहर जाते हैं अपने घर से, तब आप क्या करते हैं? आप या तो रेन कोट पहनते हैं या अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। क्यों हम रेन कोट और अम्ब्रेला लेकर जाते हैं? क्योंकि वो हमें बारिश से बचाते हैं और हम भीगते नहीं हैं उनको पहनकर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वी वेयर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। जब आप स्कूल आते हैं तब स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। हाँ, और विंटर स्कूल यूनिफॉर्म और समर स्कूल यूनिफॉर्म दोनों अलग होते हैं ना। समर में आप केवल शर्ट, पैंट और टाई बेल्ट ये सब पहनते हैं। लड़कियां शर्ट और स्कर्ट पहनती हैं, टाई पहनती हैं, है ना। बट विंटर में आप स्वेटर या जैकेट भी पहनते हैं। तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं जब भी आप स्कूल जाते हैं। ठीक है। फिर वी वेयर कलरफुल क्लोथ ऑन फेस्टिवल एंड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन। जब आपके घर में कोई फेस्टिवल होता है यानी त्योहार आता है, जैसे अभी दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? नए नए कलरफुल क्लोथ पहनते हैं ना। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल पे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। और जब आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हो, जैसे किसी के वेडिंग में जाना हो गया, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना हो गया, तब भी आप क्या करते हैं? नए और अच्छे कलरफुल क्लोथ पहनते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।